नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से। जी हां, महाराजगंज जनपद के कोल्हुई क्षेत्र के रुद्रपुर में निर्माणाधीन मकान गिरने का मामला, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 3। मौके पर पहुंचे नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, जिलाधिकारी महाराजगंज व पुलिस अधीक्षक महाराजगंज, घटनास्थल का लिया जायजा, जिला प्रशासन का ऐलान, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृतकों को 5-5 लाख रुपए का दिया जाएगा सहयोग राशि। महाराजगंज से मोहम्मद मुस्लिम की खास रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के रुद्रपुर में निर्माणाधीन गिर जाने से कितने लोग की कैजुअल्टी हुई और अभी क्या किया? आज दिनांक 27/12/2023 को लगभग दोपहर के 3:30 बजे रुद्रपुर ग्राम पंचायत में, जो कि थाना कुलोही क्षेत्रांतर्गत है, वहाँ पे निर्माणाधीन मैरिज हॉल, जो कि राम अवतार प्रजापति के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उसमें आकस्मिक दुर्घटना होने के कारण 3:30 बजे घटना हुई, जिसमें कई लोगों की दबने की सूचना मिली मलबे में। इसमें ये सूचना मिलते ही कप्तान साहब और मेरे द्वारा मौके पे पहुंचा गया। यहाँ पे अभी लगभग 8 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक व्यक्ति को कोई भी भारी चोट नहीं आई थी, वो अपने घर चले गए। 2 व्यक्ति जो प्राथमिक उपचार के लिए प्राइमरी उपचार के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लक्ष्मीपुर गए हैं, वो ब्रॉड डेड हैं। उनके नाम नीरज चौहान पुत्र ओम प्रकाश, लगभग 25 वर्ष, और यश कुमार हरिजन पुत्र जय प्रकाश, लगभग 20 वर्ष की आयु है। ये दोनों ब्रॉड डेड थे। जो 5 लोग हैं जिनको गंभीर चोट आई है, उनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामले की पूरा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है। उन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ पे पूरी रेस्क्यू टीम लगी है। SDRF की टीम को भी बुला लिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जो भी यहाँ पे घायल व्यक्ति हैं, उनका अच्छी तरीके से उपचार किया जाए, और जो भी इस दुर्घटना से उछल बसे हैं, उनको जो भी आर्थिक मदद जो सरकार द्वारा अनुमानित है, वो तत्काल प्रोवाइड की जाए। सर, अभी क्या लग रहा है, कितने लोग फंसे होने की आशंका? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आशा है कि बहुत जल्दी हम लोग, अगर कोई और व्यक्ति फंसा हो तो उसको हम लोग जल्दी रेस्क्यू करके उनका उपचार करेंगे। सर, क्या कारण देखते हैं ये जांच का विषय है। इसमें अभी जांच हम करवाएंगे। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से हो जाए और कोई और कैजुअल्टी ना हो। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।